तो फिर नू बीबी आपने किस मसलहत के तहत वो झूठ बोला? कौन सा झूठ? वो कि रोशाने बीबी पर जादू का असर है। तुम कहना क्या चाहती हो? नूर बीबी आपने कहा था ना कि रोशाने बीबी पर जादू का असर है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ऐसा कुछ नहीं था? मैंने इस्तखारा किया था। इस्तखारा? ये इस्तखारा तुमने कब कर लिया? उसी वक्त नूर बीबी जब आपने ये बात कही थी। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, रब का नाम लेती हूँ और हो जाता है। शाहान ने जो तुमसे शादी करके हमाकत की है ना, उस पे पर्दा डालने के लिए रोशानी की जबान बंद करना जरूरी है। इसका मतलब जादू अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। कौन सा इल्म है तुम्हारे पास? जी मैं पूछ रही हूं कि कौन सा इल्म है तुम्हारे पास? मैं सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। एक काम करना, अपनी इस जबान को बंद रखना। अगर नहीं रखोगी तो मुझे ये जबान अच्छी तरह बंद करनी आती है। समझ गई ना? जलते हुए शोलों से मैं अपने घर को जला लेना। मैंने तो अब सीख लिया है जलते हुए जीना। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम राजा भाई। राजा भाई आपके लिए ऐसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता ढूंढा है। अरे आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। 24 साल की? तो तस्वीर है तेरे पास? हाँ। तो व्हाट्सएप कर जल्दी से मुझे। भला ऐसे थोड़ी करूंगी भाई, उसके लिए कोई इनाम दोगे तो फिर ही आपको दोगे ना तस्वीर। नहीं बीबी, इस तरह इनाम नहीं मिलेगा। इनाम तभी मिलेगा जब निकाह हो जाएगा, और वो भी मेरी पसंद की लड़की से। वो इनाम दूसरा है राजा भाई, ये तो लड़की को ढूंढने का है। अच्छा, तो कहीं ऊंचा हाथ मार लिया है क्या? जाहिर है, ऐसे तो दावे नहीं कर रही ना मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नैन नक्श तो तीखे है ना राजा भाई? क्या सारा नाक नक्शा वहीं बैठकर पूछकर अकेले ख्वाब सजाते रहोगे? यहाँ आ जाओ मेरे घर। घर आकर तस्वीर देख लो, अभी मैं नहीं आ सकती। ना भाई ना, वो कोई तो नापी मुझे गोली मारने के लिए ढूंढ रही है। हाँ अच्छा अच्छा, आता हूँ भाई आता हूँ। आप लड़की देखने जा रहे हैं ना? ये क्या पीछे से आके डरा दिया? भाई जब पीछे से आ रहे होते हैं तो दूर से खांस लिया करते हैं, आगे किसी का हार्ट फेल भी हो सकता है। आप तलाक में खाला से शादी नहीं करना चाहते? क्यों क्यों पूछ रही हो? आप लड़की देखने जा रहे हैं ना? क्यों, तुम्हें कोई एतराज? जब आप तलाकन खाला से प्यार करते हैं तो कोई और लड़की देखने क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे ख्याल से हमें दूसरी शादी करनी चाहिए? अगर आपको वारिस चाहिए तो आपको दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए। हाँ, तो क्या हमें तलाकन से शादी करनी चाहिए?
बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने शादी का ये मौका भी जाया कर दिया तो आप सारी जिंदगी मोहब्बत के लिए तरसते रहेंगे और इस तरह से दो औरतें आपके जुल्म का शिकार होती रहेंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरी हमायत में हो या तुम मेरे खिलाफ हो? मेरी हमायत करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, मेरी मुखालफत करने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दे रही हूँ। अच्छा आप मशवरा दे रही हैं। लड़की देखने चलें? अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। आओ चाय पियोगी? मैं अपनी चाय खुद बना लेती हूँ। क्यों, मैं तुम्हारे लिए चाय क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मैं आपकी खिदमतगार हूँ। तुम मेरी बीवी भी हो। ना कोई हक महल लिया है और ना ही कोई हक दिया, सिर्फ गुलाम हूं मैं अभी आपकी। एक गुजारिश करनी थी आपसे। बोलो। शाजी मैं कल अपनी अम्मा से मिलने जाना चाहती हूँ। परसों वलीमे पर आएंगी वो, तब मिल लेना। जी। कल ही मिलना जरूरी है? जी। ठीक। यहाँ? हाँ, कोई एतराज? नहीं नहीं, जरूरी बात करनी है तुमसे, जरा दरवाजा तो बंद करो। देखो तुम पढ़ी लिखी भी हो और समझदार भी, कुछ बातें तुम्हें समझाना और बताना बहुत जरूरी है। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि शाहान मेरे भाई का एक लौता वारिस है और हमारे खानदान में नरीना औलाद का फुकदान है। क्या तुम मुझे एक बात की गारंटी दे सकती हो कि एक जिंदा सलामत बच्चे को जन्म दे सकती हो तुम? नहीं ना, तो फिर मुझे इस घर में किसी किस्म का एहतजाज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और हाँ, तुम्हारे वालदैन को भी वलीमे की इनविटेशन भेज दी है मैंने, अगर उन्हें भी कोई एतराज होगा तो वो भी दूर कर दिया जाएगा। और एक बात अच्छी तरह याद रखना कि ये शादी तो क्या, शाहान की इस शादी के बाद मुझे और भी शादी कराना पड़ी तो तुम्हें कबूल करना होगी और उन्हें भी। मैं ये शादी कबूल नहीं कर सकती नूर बीबी। अच्छा तो क्या तलाक कबूल कर सकती हो तुम? हाँ तलाक कबूल कर लूंगी। तलाक देने के लिए तलाक का कहना जरूरी नहीं होता रोशाने बीबी।
लड़की बड़ी जवान होगी। अब तेरी इस पे नजर है ना? क्यों, तुझे कोई एतराज है? क्या कैसी बातें कर रहा है तू? तू ऑलरेडी दो लड़कियों को ठिकाने लगा चुका है, अब तू तीसरी के पीछे पड़ गया है। ये हमदर्दी की वजह? हमदर्दी की कोई वजह तो होगी ना। क्या मतलब? अच्छी लगती है मुझे। तेरा काम तो आसान हो गया। मेरी अम्मा तलाकन खाला की दोस्त हैं, रिश्ते भी करवाती हैं। अरे हाँ यार, तू मेरी अम्मा से बात करके बता के चलाना, राजा चाचा के साथ साथ मेरी भी शादी हो जाएगी। अपने काम पे ध्यान दे। बाजी की शादी हुई तो सब कुछ गया हाथ से। बात तो तू ठीक है, सारी जायदाद पर तेरा और तेरे बच्चों का हक है। जब दूसरी चाची आ जाएगी तो उसके बच्चों को भी हिस्सा तकसीम करना पड़ेगा। बात तो तेरी ठीक है, पर तुझे क्या फर्क पड़ता है यार? हैं? जब दूसरी चाची ने आना है, उनके यहाँ बच्चे होने हैं, बच्चों ने जवान होना है, तब तक तू अपनी लाइफ एंजॉय करके मर कब चुका होगा। कसम से आपके तो भागे जाग गए हैं राजा भाई। चांद का टुकड़ा ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए, चांद का टुकड़ा। अरे नासरा बीबी, गोरा रंग होने से कोई चांद का टुकड़ा नहीं बन जाता है? आप लोगों के नजदीक तो पता नहीं क्यों गोरा रंग को मक्खन नजर आ जाए तो आप कहते हैं कि चांद का टुकड़ा है। हाँ, अरे आपको किसने कहा कि वो गोरी है? वो तो सांवली सी है। अच्छा, तब बताओ मुद्दा क्या है, तुम चाहती क्या हो? हैं? मैं सिर्फ 5 तोले का सोने का हार। अच्छा, 5 तोले सोने का हार चाहिए आपको? इल्म है कि कितने का होता है 5 तोले का हार? जो है जिंदगी गुजर जाती है कमाने में। सदका दे, इसको देखने के बाद आप भूल जाएंगे। अरे देखें राजा भाई, जान जोखों में डालकर ये काम कर रही हूँ। कोतनापी मेरी जान की दुश्मन भी हो सकती है, इसीलिए इस काम का मुआवजा भी मेरी मर्जी का होगा। अरे ठीक है, अब ये बताओ चाहिए क्या तुम्हें? ये पकड़ो। राजा भाई, ये जो मेरा छोटा सा घर है ना, 2 मरले का, सिर्फ 2 मरले का, इसे मेरे नाम कर दीजिए। सरनगी बेवा औरत हूँ, सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी। तुम्हें पता है ये 2 मरले का मकान जो है, अब भी 10 लाख रुपए कीमत है इस प्लाट की। मैं तुम्हें 10 लाख दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार जब मैं चीज खरीद लूँ तो मैं उसको बेचता नहीं हूँ, बस उसके ऊपर काबिज हो जाता हूँ। बस तू जल्दी से काम कर इस पे। ठीक है, अरे हम चलते हैं। चाय बनाती हूँ। अरे चाय को छोड़ो, फिरोजा बेगम को पता लग गया हम यहाँ के चक्कर काट रहे हैं तो वो हमारे चक्कर लगा देंगी। हैं, चलो। और तुझे क्या हो गया भाई, क्या हुआ, मौत का मंजर नजर आ गया क्या? कुछ नहीं। वैसे एक बात कहूं, कर लेने दे चाचा जी को दूसरी शादी। और यार इस उम्र में ना बंदे को दूसरी शादी का बड़ा क्रेज होता है। क्यों बड़ी हिमायत कर रहे चाचा जी? यार वो असल में बात ये है कि मेरी अम्मा रिश्ता करवा रही है ना, और तू समझ रहा है ना कि वो मतलब कि तेरी अम्मा को पैसे देके ये रिश्ता तोड़वाया भी जा सकता है। अरे हाँ यार, गुड आइडिया। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी खास बात है जो बताने आई? खास बात समझ लो या खुशखबरी, बस अब तुम्हारी उसके वेतन से जान छूट जाएगी और उसके शौहर से भी। वो कैसे?
शौकत दूसरी शादी करने जा रहा है। मैंने खुद रिश्ता करवाया है। तुमने? हाँ, मैंने लड़की ढूंढ कर दी है और शौकत की तरफ से पार्टी नासर है। लेकिन फिरोजा कैसे खामोश हो गई? हाँ, यही तो असल बात है कि फिरोजा कैसे खामोश हो गई। कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। फिरोजा के घर में तो अजाब उतर आया है। वो बेचारी तो चाह कर भी शौहर को नहीं रोक सकती। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई है? समीर बाप बनने के काबिल नहीं है। शौकत को बहाना मिल गया है वारिस के लिए दूसरी शादी करने का। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे नासरा ने बताया है। उसने ये सारी बातें खुद अपने कानों से सुनी है। लेकिन वो बदनसीब है कौन जो उस दरिंदे से ब्याही जा रही है? हाँ, है तो बेचारी बदनसीब। बड़ी खूबसूरत, जवान और पढ़ी लिखी लड़की है। बस किसी बदबخت ने उसके ऊपर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगा रखा था, इसलिए बेचारी का रिश्ता भी नहीं हो रहा था काफी अरसे से। अरे साजिदा बहन, आप क्यों परेशान होती हैं? ये तो फिरोजा की हवा को भी नहीं पता लगेगा कि शादी हुई है। पता चलना या ना चलना मसला नहीं है राजे भाई, पता तो चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। आप सिर्फ मुझे इस बात की गारंटी दें कि ये रिश्ता होगा और आप लड़की को बाहिफाजत कुवैत लेकर जाएंगे। अरे ये गारंटी तो हम आपको दे रहे हैं, हैं? देखिए, नविदा हमारे साथ बाहर कार में इसलिए बैठी है कि फिरोजा को पता है कि हम उसका टेस्ट कराने लाए। भाई जब शादी होगी हम यूं करके जहाज में बैठेंगे, यूं करके हम कुवैत पहुंचेंगे, वहां से हम आपको फोन करेंगे और आपको एक अरबी गाना सुनाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि हम कुवैत पहुंच चुके हैं। ठीक है राजे भाई, आप चलकर गाड़ी में बैठे, मैं अभी आ। जी जी बस। हाँ तुझे अच्छी तरह से पता है नासिरा, मैं तेरी जान भी ले सकती हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल सच बता दे कि ये रिश्ते वाली क्या खिचड़ी पक रही है। कसम खा के कहती हूँ कुवैत नापी, मुझसे बात जरूर हुई थी राजा भाई की, लेकिन मैंने रिश्ते की हामी नहीं भरी थी। अच्छा, तो फिर साजदा को ये बात किसने बताई? राजा भाई ने खुद बताई। क्या जी कुवैत नापी, साजदा ही तो करा रही है ये रिश्ता और राजा भाई ने उससे खुद ये बात बताई है कि समीर बाप नहीं बन सकता इसलिए। क्या शौकत ने साजदा को ये बात खुद बताई थी? हाँ जी कुवैत नापी, बल्कि मैं तो आपको यही बताने आई थी कि साजदा इस वक्त लड़की वालों के घर बैठी है और अंदर की बात तो ये है कि राजा भाई भी इस वक्त साजदा के साथ अपने होने वाले ससुराल में बैठे हैं। वो बस पार्टीशन के बाद जिस तरह बहुत सारे लोग अस्सलामुअलैकुम। बेटी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। सईदा आप कितना पढ़ी हुई हैं? MBA किया है, लॉ पढ़ रही हूँ। क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का जब बंदा अपनी मजबूरियों का मुकाबला ही ना कर सके? हाँ लेकर जानी है हमें यहाँ से। अब्बा जी हाँ तो पहले हो चुकी है और वो भी बड़े सस्ते दाम पर। अरे वहाँ से नीचे आप कैसे? बस जी आप फिक्र ही ना करें, यूँ समझे कि शादी के बाद तो आपकी बेटी राज करेगी। शादी के दूसरे दिन ही शौकत भाई इसे लेकर कुवैत चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल फिक्र की आपको जरूरत नहीं है जी। अब ऐसा करेंगे कि हम इनको जब लेकर जाएंगे ना तो बिल्कुल हम रानी बनाकर रखेंगे, प्रिंसेस की तरह रखेंगे आपको हम वहाँ पे कुवैत में। जेब खर्च भी होगा, शॉपिंग भी होगी, एंजॉय भी करेंगे ये, फिर हम पूरी दुनिया की सैर भी करा देंगे। फिक्र छोड़ दीजिए, अब आप एक दफा राजा शौकत अली को अपना बेटा तो मानिए, फिर तमाशा देखिए क्या होगा। जी मुझे इजाजत दीजिए।
तो आप चाहेंगे? माहीन, क्या बात है, रो क्यों रही हो? तुम नहीं रो रही क्या? बताओ मुझे, दिल ही दिल में कितना गिड़गड़ा चुकी हो? मेरे सारे आंसू खुश्क हो चुके हैं माई। खुश्क आंखों से खून बहने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं। तुम उस इंसान से शादी करोगी? तो क्या करूं? कब तक बदनामी का दाग बनकर मैं इस घर में बैठी रहूंगी? पर तुम्हारे भी तो रास्ते की दीवार हूं मैं। खुदा के लिए ऐसा मत कहा करो प्लीज, वरना मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। तुम मेरी फिक्र करना क्यों नहीं छोड़ देती? तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे तो बहुत से ख्वाब थे, फैंटेसीज थे, और अब तुम उस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दोगी। अगर उसी इंसान के साथ जिंदगी गुजारना मेरी किस्मत में है तो मैं इसे खुशी से कबूल करूंगी। नहीं सईदा, प्लीज एक बार, प्लीज आखिरी बार इनकार कर दो। ये भी तो हो सकता है कि इसके बाद जो रिश्ता आएगा मेरे लिए तुम्हें वो भी बुरा लगेगा, तो फिर क्या करेंगे? दो दिन हवेली में गुजारने के बाद कैसा महसूस हुआ तुम्हें? बिल्कुल अपने घर जैसा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं अपनी अम्मा से इजाजत ही लेती थी, अब आपसे और नू बीबी से लेती हूँ। घर जाना बहुत जरूरी है, क्या सब ठीक है वहाँ? जी शाहजी, वो अम्मा से किसी बात पे मशवरा करना। मशवरा? ऐसा कौन सा मशवरा है जो तुमने मुझसे नहीं करना अपनी अम्मा से करना? मियाँ बीवी हैं हम दोनों, हमें एक दूसरे के साथ अपने मसाइल शेयर करने चाहिए। शाहजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्यों भरोसा नहीं है मुझ पर? क्या आपके निकाह में आने से पहले ही आपकी जात पर मुकम्मल भरोसा था? तो फिर अब क्या हुआ? मेरी तरफ देखो सिंह, क्या छुपा रही हो मुझसे? शाहजी वो रोशाने बीबी की जान को खतरा है। क्या क्या मतलब? किससे? किसी से नहीं, नहीं किसी से नहीं। शाम जाके गाड़ी में बैठा हुआ तो मैं तुम्हारी अम्मा के घर छोड़ू। कहाँ से आ रहे हैं दोनों सुसर बहू? मेरे ख्याल से हमने बताया था ना कि हम राबिया का टेस्ट करवाने लेबोरेटरी जा रहे हैं। कौन सी लेबोरेटरी से कराया टेस्ट? मेरे ख्याल में हमने ये भी बताया था कि कौन सी लेबोरेटरी जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तुम लोग 10 बजे घर से निकले थे और 1 बजे तक उस लेबोरेटरी में पहुंचे भी नहीं थे। पूरे 1 बजे मुझे वहां से फोन आया कि अब राजा शौकत अली अपनी बहू के साथ टेस्ट करवाने आ चुके हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये 3 घंटे तुम दोनों कहाँ रहे? ये तो तुमने देखा है, ये ट्रैफिक का हाल क्या है शहर में, कितनी देर तो हम ट्रैफिक में फंसे रहे हैं। हाँ, रिक्शे टैक्सी है, ये क्या अब सीधे सीधे बताते हो या फिर मैं लगाऊं कोई इल्जाम? ये जो घटिया सोच है ना तुम्हारी, इसको अपने तक महदूद रखो, बेटियों की तरह है ये मेरी जाहिल औरत। अब मुझे टाल नहीं सकते आप, आज जवाब देना पड़ेगा राजा शौकत अली।
सीमा सीमा कैसी हो, कहाँ थी? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कितना परेशान थे, तुम्हें ख्याल आया हमारा, इसीलिए तो आ गई हूँ। सीमा तुम खुश तो हो ना? आप आ गई? हमें बहुत फिक्र हो रही थी आपकी, कुछ पता नहीं था कि शाजी आपको कहाँ ले गए और क्यों ले गए। अब मैं आ गई हूँ, सब बता दूंगी कि मैं कहाँ थी और किस हाल में थी। अम्मा कहाँ है? नहीं, कमरे में नमाज पढ़ी है, जाओ मिल लो। मैं उनसे मिलके मैं सर किचन में आऊँ, चाय बनानी है सीमा के लिए। अपनी सारी दुआएं मुझे दे दे अम्मा, मुझे इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सब ठीक तो है ना? सीमा तुम्हारे लिए गरम गरम पकोड़े बना रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ, उठो चलो। तुम्हें भी जानना है कि 3 घंटे से कहाँ थी मैं? हाँ। तुम्हारे बाप के लिए लड़की देखने के लिए गए थे, दूसरी शादी कर रहा है वो, और ये बात अम्मा को भी बता देना इससे पहले कि वो मुझ पे कोई और शक करें। तुम किससे दुश्मनी ले रही हो, मुझसे कि मेरी माँ से? दुश्मनी? दोस्त कौन है मेरा यार? तुम? हाँ तुम दोस्त हो मेरे, जिसने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। या तुम्हारा वो बाप मेरा दोस्त है जो कि जैसे ही जवान और हसीन लड़की का रिश्ता मिला चला दूसरी शादी करने, तुम्हारी कोई परवाह नहीं है उसे? या तुम्हारी वो माँ जो सिर्फ इसी लालच में है कि कोई सौतन लाकर उसके घर में ना खड़ा कर दे? और वैसे तुम्हें अपने अब्बा की दूसरी शादी से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब तक ये दूसरी नस्ल जवान होगी तुम बुढ़े होके मर खप चुके होगे। वैसे भी तुम्हारी कौन सी औलाद होनी है? अगर मैं ये साबित कर दूं कि नामर्द मैं नहीं बंजर तुम हो। और ये तुम कैसे साबित करोगे? दूसरी शादी अब मेरा बाप नहीं, मैं करूंगा। औलाद पैदा करके ये साबित करूंगा कि तुम बंजर हो। लेबोरेटरी में जाके टेस्ट नहीं करवाना, दूसरी शादी करके साबित करना है कि औलाद पैदा कर सकते हो। मुझे वारिस चाहिए, मुझे वारिस चाहिए। भाई शादी नहीं करूंगा तो वारिस कहां से आएगा, कहां से लाऊंगा मैं वारिस? तुम्हें किसने कह दिया कि समीर बाप नहीं बन सकता? 2-3 साल में तो बना नहीं, अब अचानक कैसे बन जाएगा? मैं राबिया की रिपोर्ट ले आया हूं, वो ठीक है। The fault lies in your son. उसमें गड़बड़ है तुम्हारे बेटे में। तो उसके फॉल्ट का इलाज करवाओ ना, तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। ओ, वो तो इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं, वो कहता मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलाज उसका मैं करवाऊंगी, तुम बस तुम रहने दो। अब हमने कमिटमेंट कर ली है और हम अपनी कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। जी इस उम्र में अगर औलाद पैदा कर भी लोगे ना तो उसे पालोगे कैसे? बूढ़ी हड्डियों को अयाशी की नजर करे जा रहे तुम। और देखो बीबी, अयाशी जो है ना वो पैसे से होती है, पैसे से। और हमारे पास बेइंतहा पैसा है, हम अयाशी करने नहीं जा रहे। अब तो हमारी मुलाकात एक एजुकेटेड पढ़ी लिखी खातून से हुई है और तब एहसास हुआ कि अपने पूरी जिंदगी अपनी एक जाहिल औरत के साथ बर्बाद करके रख दी। ये
अच्छा आप बताओ क्या बात है। अम्मा एक अजीब सी वहशत है उस हवेली में। क्या मतलब? वो लोग पुरुष रह रहे हैं, जैसे नजर आते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? भला दो दिन में तुम्हें किसी घर की पुरुषारियत कैसे पता चल गई? समझने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है, और फिर मुझे समझना नहीं पड़ा, बाकायदा समझा दिया गया। जो बात भी करनी है खुल के करो, ताकि मुझे भी तो समझ में आए। मुझे तो रोशाने बीबी से हमदर्दी हो रही है। क्या? हाँ माँ, मुझे ऐसा लगता है या तो रोशाने बीबी को हवेली से निकाल दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। हेलो, कैसी हो सुल्ताना? जी मैं ठीक हूँ। वलीमे का पैगाम तो मिल गया था ना? जी हजूर मिल गया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम ऐसा करना कि आज सीमा को खुद छोड़ने आना। जी जी ठीक है, मैं छोड़ने आऊंगी। चलो खुदा हाफिज। तुम्हारी नूर बीबी से कोई बात हुई है? नहीं तो। क्या बात है, कुछ कहना चाह रहा है? अम्मा मैं तो तुझे कितने दिनों से कहना चाह रहा हूँ, पर तुझे तुझे मेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही। अम्मा मुझे तेरी सब समझ आती है, तुझे ना कोई लड़की पसंद आ गई है, तू शादी करना चाहता है और जल्दी है ना, लेकिन जान ले पुत्र ऐसा नहीं हो सकता। अब तू भी कान खोल के सुन ले पुत्र, ना तो मैं तेरी मर्जी से तेरी शादी करूंगी और ना ही जल्दी करूंगी। वो क्यों जी? अगर मैंने तेरी पसंद की शादी कर दी ना, तो वो तुझे उंगलियों पे नचाएगी, उंगलियों पे, और साथ मुझे भी। ना भाई, मैं इस उम्र में अपनी हड्डियां नहीं तुड़वाना चाहती। हैं? माँ, मेरी जो बीवी होगी ना, जो मैं पसंद करूंगा, वो तेरी खदमतें करेगी, खदमतें। ना भाई ना, मैं नहीं मानती। अम्मा वो तुम्हारी तो इज्जत ही बहुत करते हैं, और वैसे भी वो तुम्हारी सबसे पक्की वाली सहेली की बेटी है। कौन, किसकी बात कर रहे तू? वो सुल्ताना खाला की बेटी आयजा। दिमाग खराब हो गया तेरा? कभी भूल कर भी ना सोचना, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा वो क्यों, तुम्हारी तो सहेली है सुल्ताना खाला। अच्छा तो अब सुल्ताना खाला, आगे पीछे तुझे तलाकन खाला कहते हैं, अब बड़ा सुल्ताना खाला कह रहे तू? तो पूरा मोहल्ला कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटा यही वजह है कि उस घर में मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। अल्लाह माफ कर दे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उसके मुंह पे सबसे मुखलिस सहेली है आप उसकी, और अब मुखलिस सहेली तो मैं उसकी हूँ और रहूंगी भी सही, लेकिन उसकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसके दुख मैं अपने घर में क्यों लाऊं? उसकी बेटी ब्याह कर अपने घर में लाऊंगी तो मोहल्ले भर की बदनामी भी मेरे घर में आएगी, इसलिए भूल जा आयजा को, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रोमी आओ, समीर बेटा आओ आओ, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बैठो। मैं देता हूँ आपको, मैं देता हूँ, आप जाइए। ऐसे समझाओ कुछ, दिमाग खराब हो गया इसका।
बैठ यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। अच्छा हो गया यार तू आ गया, मैं तुझे कॉल करने वाला था। सीमा आई हुई अपने घर। कबीर की छत से देखा था, सुल्ताना खाना के सहन में फिर रही थी सीमा। फिर कुछ जल्दी करना पड़ेगा। क्या करना है? मेरी बात सुन, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करें, जो मैं कह रहा हूं वो सुन और उस पर अमल करें। मुझे हानिया से शादी करनी है। कब, कहां, कैसे, मैं तुझे आज रात को बताऊंगा। ऊपर